स्मार्ट शहर और गांव डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है, ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर। नमस्कार, कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि झारखंड में कौन कौन से विकास के कार्य किए जा रहे हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि किस तरह से लोगों को विकास की ओर ले जाया जा रहा है। दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम आपको लिए चल रही है रांची के नगरी ललगुटवा में रह रही मोनी कुमार जी के पास, जो कि सिलाई एवं बुटीक चला करके खुद को आत्मनिर्भर बना रही है। दर्शकों, आज के समय में महिलाएं भी हर क्षेत्र में खुद को आगे रख रही, अव्वल रख रही और खुद को रोजगार से जोड़ पा रही। तो चलिए मिलते हैं मोनी जी से और जानते हैं कि वो किस तरह से खुद को रोजगार से जोड़ने में खुद की मदद कर पा रही है। ललगुटवा के नगरी की रहने वाली मोनी कुमारी आज बुटीक एवं सिलाई दुकान चलाकर आज आत्मनिर्भर हो रही हैं। ये कार्य इनके लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम है। सिलाई और बुटीक दुकान संचालित करके वो न केवल अपने जीवन को स्वतंत्र बना रही हैं, बल्कि समाज में भी उत्कृष्टता ला रही हैं। जोहार, झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से झारखंड में हो रहे विकास के बारे में बातचीत करते हैं। इसी कड़ी में आज रांची जिले के नगरी प्रखंड में उपस्थित हैं। आज हम एक ऐसे लाभुक से मिलवाएंगे जो बुटीक चला रही है। इनका नाम मोनी कुमारी है, जो ललगुटवा में बुटीक चला रही है। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि जब से ये बुटीक चला रही है इनके जीवन में कितना परिवर्तन आया है। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है। मेरा नाम मोनी कुमारी है। मोनी जी, आप एक बुटीक चला रही हैं, कब से चला रही हैं? हम 2018 से है मेरा। 2018 से बुटीक चला रही है। तो आप ये JSLPS के सहयोग से ये चला रही हैं, तो आप सखी मंडल में कब जुड़ी? सखी मंडल 2021 में जुड़े हैं। 2021 में। तो आपको कैसे पता चला, आप कैसे जुड़ी उनसे, कि किसी ने बताया आपको? हाँ, यहाँ ये दीदी लोग जुड़ी हुई थी, आई थी तो बताई थी, तो उसमें हम जुड़े थे। अच्छा। तो फिर यही लोग वहाँ से OSF से पैसा मिला, फिर हमको 50,000, पहले बुटीक था तो वहाँ से 50,000 मिला, तो हम ये दुकान खरीदे। फिर दुकान में फिर इसमें पार्लर भी खोले और सिंगार स्टोर भी खोले। फिर उसके बाद में उसको चुकाए तो फिर 1,00,000 रुपया मिला। फिर हम लोग को यहाँ से भी मिला, क्या कहते हैं, ग्रामीण बैंक से भी 50,000, उसी से पूरा ये किए हैं। आज शहरी क्षेत्र के साथ हाई ग्रामीण क्षेत्र की लगभग हर महिला रोजगार से जुड़कर सशक्त हो रही है। देखा जाए तो महिला सशक्तिकरण का सीधा सीधा साधा अर्थ है सबलता, सुयोग्यता, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास। समूह से भी हम लोग को, जैसे हम लोग जुड़े ना, तो समूह से भी यहाँ हम लोग भीओ में हैं, भीओ से भी मदद, फिर यहाँ से फिर ये लोग आए तो वहाँ से OSF से भी 50,000 मिला। फिर ये लोग यहाँ अथी वाला CIF से मिला, वही सब से हम लोग किए। तो पहले आप क्या करते थे, बुटीक चलाने? बुटीक ही चलाते थे। बुटीक ही चलाते जी। जब वहाँ से पैसा मिला तो फिर ये वाला दुकान भी है, बगल में ही हम लिए थे, फिर इसको लिए, इसमें पार्लर भी खोल दिए और सिंगार स्टोर भी, उससे हम लोग बहुत आगे बढ़े हैं। अच्छा, पहले जो बुटीक था वो छोटा मोटा था और बड़ा कर लिया। बड़ा कर लिया। तो ये अगर ये बुटीक में बात करें तो आप इसमें क्या क्या है, और इसका देख रहे सिंगार का सामान भी बहुत सारा है, तो आइटम की अगर बात करते हैं तो क्या क्या है यहाँ पर बुटीक में? जैसे चूड़ी उड़ी है, ये सब है, विभिन्न सब मिल रहा है यहाँ पर। उसके बाद में पार्लर में भी जो काम हो रहा है उसको भी हो रहा है, बुटीक में भी सारा सिलाई करते हैं। बुटीक में सिलाई करते हैं जी, लहंगा गाउन वगैरह, ब्लाउज ब्लाउज जितना भी होता है सब बनाते हैं। तो जैसे जैसे जनरेशन चेंज हो रहा है उस तरह से आप सारा कर ले रहे, अपडेट होना पड़ता होगा, इसका किस तरह से ख्याल रखते हैं, किस तरह से ध्यान रखते हैं? जिस टाइप का आदमी बोलता है उस टाइप का बनाते हैं। तो ये सिलाई कढ़ाई तो एक ट्रेनिंग की बकायदा जरूरत जी, होती जी। है तो आपने ट्रेनिंग पहले से ही हम लिए हुए हैं। कहाँ पर लिए? झारखंड से ही लिए। झारखंड से ही लिए जी। तो ट्रेनिंग करने के बाद ही आप कर रहे हैं? हाँ जी। अच्छा अच्छा। और आप ब्यूटी पार्लर भी चलाते? पार्लर भी चलाते। ब्यूटी पार्लर में आप क्या क्या करती हैं? जैसे फेसियल, एमब्रो, ये सब जितना भी होता है उसको भी करते हैं। फेसियल करते जी, इसमें ट्रेनिंग भी देते हैं। अच्छा, उसमें बकायदा आप ट्रेनिंग भी देते जी। अच्छा, यहाँ सिंगार का भी देख रहे बहुत सारा सामान है, क्या क्या आइटम रखते हैं?
चूड़ी नेल पॉलिश, मतलब लेडीज आइटम जितना भी है सब। डिटेल से बताइए। चूड़ी है, बिंदी है, नेल पॉलिश है, जितना हुआ सब। हमारे देश में प्रायः महिलाएं सिलाई, कढ़ाई, पापड़ बनाने, अचार बनाने जैसे कई कार्य करती हैं, किंतु इन्हीं कार्यों को आज ये रोजगार का रूप देकर अपने हुनर को अपने आय का स्रोत बना रही हैं। महिलाओं का आज आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना बेहद जरूरी है। ऑर्डर आ जाता है, जैसे किसी को सजाना हुआ तो 10,000-12,000 जी एक दिन का। अच्छा अच्छा, जैसे पार्लर भी चला रही है या बुटीक भी चला रही है, तो आप सामंजस्य कैसे बैठा पाती हैं, कैसे चलाती हैं? स्टाफ रखे हैं। स्टाफ रखे जी हैं। तो अकेले तो नहीं होने पाता, स्टाफ रखे तो वो भी करती है, हम लोग वो भी करती है जी। तो आप परिवार में और कौन कौन से हैं आपका? परिवार में हम हैं, मेरा हस्बैंड है और एक बच्चा है। एक बच्चा है, तो जाहिर सी बात है कि परिवार को भी ध्यान रखना पड़ता है, बच्चे को भी ध्यान रखना पड़ता होगा। तो बच्चा को यहीं से एडमिशन करवाए हैं, हुआ है बच्चा मेरा सैनिक स्कूल में निकला है, तो वहीं उसको डाले। अच्छा, वहीं पर पढ़ता जी। हॉस्टल में कितना सहयोग मिलता है? पति आपके क्या करते हैं? पति मेडिकल में है, फार्मेसी में। फार्मेसी में, सिटी हॉस्पिटल। तो आपको ये पूरा सहयोग यहाँ मिलता है जी? जी। अच्छा अच्छा, तो अगर हम पार्लर की बात करें तो पार्लर में लगभग कितने कस्टमर आते हैं, लोग किस तरह से सुविधा, मतलब जो जो आप लोग का होता है, जैसे फेसियल हो गया, कटिंग हो गया, क्या क्या करती हैं, कितने आमदनी हो जाता है? 3-4 हज़ार हो जाता है पार्लर से भी। पार्लर से और इधर से भी हो जाता है 5-6 हज़ार हो जाता है। तो आप खुद करती हैं कि आपका स्टाफ करता होगा? पार्लर में स्टाफ करती है, इधर हम खुद करते हैं, बुटीक हम खुद करते हैं, सिलाई। सिलाई कढ़ाई करते हैं, तो जैसे आप सिलाई कढ़ाई में क्या क्या करते हैं थोड़ा बताइए? सिलाई में ब्लाउज सिलते हैं, गाउन बनाते हैं, लहंगा हुआ, जितना डिजाइनर हुआ सब चीज़ बनाते हैं। सब चीज़ बनाते जी हैं। तो अगर ये काम, अगर एवरेज अगर इनकम की बात की जाए जी, तो कितना हो जाता है, मतलब महीना में कितना कमा लेती हैं? महीना में 70-80 हज़ार हो जाता है जी। तो जब से ब्यूटी चला रही हैं, जैसे LPS का आपको सहयोग मिला, पहले और अब में कितना अंतर आया? बहुत अंतर है। पहले मेरे पास पूंजी नहीं था, इसलिए हम नहीं करने पा रहे थे, वहाँ से हमको सहयोग मिला तो फिर पूंजी बनाए, तो उससे ज़्यादा ही कमा रहे हैं। पहले हम 10-12 हज़ार महीना कमाते थे, जैसे LPS में जुड़े वहाँ से हम लोग को वह सबसे पैसा मिला, फिर इधर किए तो हम लोग 70-80 हज़ार रुपया का बिजनेस बढ़ाए। तो आर्थिक आत्मनिर्भरता महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाती है, जिससे परिवार में उनकी स्थिति में सुधार होता है, तथा इस प्रकार उपलब्ध धन का इस्तेमाल वो अपने निजी इस्तेमाल अथवा बच्चों की शिक्षा व स्वास्थ्य इत्यादि में करती हैं। अध्ययनों से स्पष्ट है कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा के मामले कम होते हैं। नहीं, वो चीज़ का नहीं। तो मतलब होता है ना कि एक आप शुरुआत किए हैं तो एक, हाँ तो उससे नहीं है, तो उसको बताते हैं ना, जो हम इससे हम लोग जुड़े हैं तो वहाँ से हम लोग को सहयोग भी मिला है। हाँ तो वो तो अच्छा ही बोलते हैं। हाँ वो तो, हाँ बहुत आदमी को ट्रेनिंग दिए तो सीखा भी है, यहाँ आए हैं तो जैसे ये किए तो फिर वो लोग भी बोला कि थोड़ा सा यहाँ किए कर रहे हैं तो ट्रेनिंग दिए, तो खोले तो सबको ट्रेनिंग दिए हैं, उससे वो लोग को भी सिखाए हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक आप परिचय के मुताबिक नहीं, आपको मैक्सिमम लोग जानता है जी। हाँ, यहाँ सब जानते हैं हमको। सिर्फ आर्थिक ही नहीं, किसी भी रोजगार से जुड़ने के बाद महिलाओं के मानसिक स्थिति में भी बदलाव आता है। उनका सामाजिक बदलाव के लिए भागीदारी सुनिश्चित होती है, उनका बदलाव लाने की अपनी क्षमता में विश्वास सुदृढ़ होता है। इसलिए देखा जाए तो रोजगार से जुड़कर महिलाएं सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त करती हैं। जब ब्यूटी क्या बोले पार्लर के लिए स्पेशली हमको बोला जाता है, तो आईब्रो सीखे हुए हैं और फेशियल वगैरह, तो वो हेल्प कर देते हैं। कस्टमर जब आती है इनका, तो जो चीज़ आता है हमको वो कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है इसके बदले में आपका इनकम भी होता है, रोजगार भी आपको यहाँ से मिल गया। हाँ, कुछ बहुत मिल जाता है। अच्छा, तो आगे आपको क्या करने का इरादा, क्या करना चाहते हैं? आगे तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, अभी तैयारी क्लास पढ़ाई कर रहे हैं। तो कोई भी लड़की का एक आकर्षण होता है ब्यूटी पार्लर की तरफ भी, क्योंकि मेरा इनकम हो जाता है कुछ गाड़ी भाड़ा कोचिंग जाने के लिए, उसी के लिए तो देखता होगा, तो जाहिर सी बात है कि कुछ तो सीखता होगा कि चलो पढ़ाई कर, क्या बोले सफर करने के लिए कुछ अपना काम कर रही है। तो सीख के आप भी ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती है? हाँ, ब्यूटी पार्लर करने का इरादा है। हाँ, आगे अगर कुछ काम नहीं बना तो अपना ब्यूटीशियन भी खोल सकते हैं बाद में। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से आज के समय में महिलाओं को आगे रखने के लिए सरकार भी उनकी तरह तरह से मदद कर पा रही है और उनको रोजगार से जुड़ने में उनकी सहायता कर रही है। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आपको लिए चलते हैं रांची के ललबुटवा में ही रह रही अनीता देवी जी के पास, जो कि किराना सिलाई एवं मिट्टी के बर्तन बेच करके
खुद को आर्थिक रूप से सशक्त कर रही है। तो चलिए मिलते हैं इनसे और जानते हैं कि वो किस तरह से रोजगार से जुड़ने में खुद की सहायता कर रही है। आज महिलाओं को उनके अधिकारों प्रति जागरूक करने के लिए निरंतर प्रयास चल रहे हैं। सरकारी व गैर सरकारी स्तर पर कई मंचों से इसकी पहल भी हुई है। बड़ी बात यह है कि घर की चार दीवारी से निकलकर महिलाओं को स्वयं ही आगे बढ़ रही हैं। जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में झारखंड में होने वाले विकास कार्यों को हम आप तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसी कड़ी में हम आप पहुंचे हैं रांची जिला के नगड़ी प्रखंड में, जहां की महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर विकास की नई कहानी लिख रही हैं। तो आज हमारे साथ अनीता देवी नाम की एक ऐसी महिला हैं जो नगड़ी प्रखंड के लालगुटवा में रहती हैं, किराना दुकान भी चला रही हैं, सिलाई भी करती हैं और मिट्टी के बर्तन को भी बेचकर अपने आमदनी को बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। तो आइए इनसे हम जानते हैं ये जेएसएलपी के सहयोग से किस तरीके से कार्य कर रही हैं, उनके जीवन कितना बदलाव हुआ है। आइए अनीता जी से जानते हैं। अनीता जी, आपका हमारे कार्यक्रम बहुत बहुत स्वागत है। जोहार अनीता जी, अगर हम आपकी दुकान की बात करते हैं, आप दुकान चला रही हैं, सिलाई का भी कार्य करती हैं। हाँ। और मिट्टी का सामान भी, हाँ, मिट्टी का भी करते हैं। एक साथ इतना काम कैसे करती हैं? कर लेते हैं, घर पे ही रहता है, घर का ही काम है, घर का काम कर लेते हैं, घर का काम करते हुए भी अपना दुकान देखते हैं, साथ में बच्चा भी संभाल लेते हैं, मेरा 1.5 साल का बच्चा है, साथ में मिट्टी का बर्तन है, ये राशन पानी का जो भी थोड़ा मोटा सामान है सब बेचते हैं, फिर मोबाइल रिचार्ज करते हैं, सिलाई भी कर लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को शिक्षा व रोजगार से लगातार जोड़ने के कार्य किए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को आज अलग अलग रोजगारों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इन्हें छोटे मोटे कार्यों से जोड़कर रोजगार से जोड़ा जा रहा है। आज छोटी सी शुरुआत इनके आने वाले कल को एक नई दिशा देने का प्रयास है। बिना पूंजी के तो आदमी काम कर सकता है, तो आपको पूंजी कहाँ से मिला? अगर हम जेएसएलपीएस की बात करते हैं, जेएसएलपीएस का क्या सहयोग आपके जीवन में रहा है? ओएसएफ से हमको मिला था लोन, वहाँ से लिए थे, शुरू मिला था 50,000, उससे फिर कुछ किए, उसके बाद फिर वो कंप्लीट हो गया तो फिर मिला हमको 1,00,000 उस, तो फिर उससे मिट्टी का हो गया, फिर इससे कुछ कुछ सामान, इस सबसे आमदनी अपना खर्चा उसमें किए और अभी अपना रोजगार चला रहे हैं उससे। तो जेएसएलपीएस से आप कब से जुड़ी हुई हैं? हम लोग 2022 से। उसके पहले क्या करती थी आप? पहले वैसे सिर्फ घर पे ही थे, वैसे कुछ करते नहीं थे। तो जिस समय घर में रहती हूँ, कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति काफ़ी गड़बड़ हो गई है, कुछ भी काम के लिए किसी से पैसा ना पड़ता हो, क्या स्थिति थी उसमें? उसमें बहुत थोड़ा स्थिति तो ख़राब था क्योंकि कुछ काम वैसा नहीं था। अभी तो मिट्टी, अब जब से ओएसएफ से जुड़े हैं थोड़ा उधर से मदद, आर्थिक मदद मिला है, तो फिर उसी से पूंजी उंजी लगाएं, तो अभी उसी से हो रहा है। पढ़ाई लिखाई कितना आपका हुआ? मेरे इंटर पास है। इंटर पास, तो आगे की पढ़ाई क्यों नहीं कर पाए? आप ग्रेजुएशन कर सकती थी, सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकती थी, लेकिन पढ़ाई क्यों छोड़ दी? आर्थिक स्थिति ठीक नहीं था तो उसके वजह से नहीं हो पाया, आगे का पढ़ाई नहीं कर पाए, लेकिन जहाँ तक पढ़े वहीं से फिर कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने का, अब उसके आगे नहीं हो पाए तो क्या कर रहे हैं। तो आपकी शादी कब हुई? मेरा 2018 में हुई। 2018 में जो शादी हुई थी, तो घर की स्थिति कैसी थी उसमें? उसमें थोड़ी ख़राब थी स्थिति, ना खास नहीं थी। क्या करते हैं पति आपके? मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं। तो कैसे मन में विचार आया कि जेएसएलपीएस से जुड़कर दुकान खोलना है, घर की स्थिति को ठीक ठाक करना है, कैसे विचार मन में आया? सोचे कि रोड किनारे घर है तो सोचे थोड़ा सा मोबाइल रिपेयरिंग करते ही थे, तो उसी से सोचे आगे थोड़ा थोड़ा करते करते अपना आगे बढ़ने का कोशिश किया जाए। वही दुकान में थोड़ा थोड़ा सामान सारा चीज़ रखने का कोशिश किए, उसके बाद फिर ओएसएफ से जुड़े तो वहाँ से फिर मदद मिला, तो फिर उसी से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी ही नई सोच और सपनों के साथ नगड़ी के लालकुटवा की रहने वाली अनीता देवी भी आज किराना दुकान और सिलाई दुकान चलाकर आत्मनिर्भर हो रही हैं। इसके साथ ही ये मिट्टी से बने बर्तन बेचकर भी खुद को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही हैं। किराना दुकान से हो जाता है वही दिन भर में, कभी 1,000 हुआ, कभी 1,500 हुआ, कभी 500 भी होता है, सब दिन एक जैसा नहीं होता है, लेकिन हाँ दुकान में रहते हैं तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो सामान क्या क्या आप रखता है दुकान में? चावल भी है, दाल भी है, तेल साबुन सारा चीज़ है, और बिस्किट मिक्सचर, ठंडा पानी, फिर
हो गया, मसाला उसाला भी कर सकते हैं कि जो दैनिक जीवन में जो भी आवश्यकता की चीज होती है सारा कुछ आप रखते हैं। तो दीदी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सिलाई मशीन भी आप रखी हुई हैं, सिलाई का भी कार्य करते हैं। हाँ, सिलाई भी कर लेते हैं, जब हमको थोड़ा सा भी समय मिलता है तो सिलाई करने लगते हैं। सिलाई हो जाता है तो फिर कुछ और काम पे थोड़ा कर लेते हैं। फिर अभी सीजन है गर्मी का तो भाड़ा उड़ा मिट्टी का बर्तन हो गया, मिट्टी का बर्तन उर्तन सब भी सेल करते हैं, अब वो भी साथ साथ में हो जाता है। तो आप सिलाई कहाँ से सीखी हैं और क्या क्या सिलती हैं? सिलाई हम बाहर ही से सीखे हैं, प्राइवेट से सीखे हैं। उसके बाद ब्लाउज भी बना लेते हैं और सूट बना लेते हैं, कुर्ती उर्ती भी बना लेते हैं, प्लाजो आजकल जो भी निकल रहा है वो सब बना लेते हैं। और जिसको नहीं समझ में आता है उसको थोड़ा सा मोबाइल से देख के हम उसको मोबाइल में यूट्यूब में सर्च मार के देख लेते हैं, उसके बाद करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सिलाई से कितना पैसा कमा लेती हैं? उससे हो जाता है, उसमें ज़्यादा तो खर्च लगता नहीं। एक धागा रहता है 5 रुपये का, सुई रहता है और कपड़ा उपड़ा जो अस्तर लगता है वही, और जो कस्टमर से हम 250 रुपये ले रहे हैं या 300 रुपये ले रहे हैं जैसा उसका डिजाइन रहता है उस तरह से पैसा लेते हैं। तो वही पैसा मेरा कभी एक ब्लाउज में हो गया तो 200-150-100 रुपये ऐसा बचता है। ग्रामीण क्षेत्र में किराना दुकान एक अच्छा रोजगार का साधन बनता जा रहा है, जिसके जरिए महिलाएं घर परिवार की जिम्मेदारी संभालते हुए अपना रोजगार भी चला रही हैं। इसके जरिए इनकी अच्छी आमदनी हो रही है, साथ ही महिलाएं एक व्यवसाय चलाने की जानकारी भी ले पा रही हैं। किराना दुकान और सिलाई दुकान चलाने के लिए अनीता देवी को अपना ज्यादातर समय दुकान में देना होता है। तो क्या क्या मिट्टी का सामान क्या क्या बेचती हैं? घड़ा है, बोतल है, मिट्टी का बर्तन है, तावा है उसमें दही जमाने वाला है, कढ़ाई है, रोटी बनाने वाला तावा है, फिर पानी रखने का जार है, उसमें बहुत आइटम है अभी। तो फिर और अभी और एक से एक आइटम आने वाला है, इतना तो आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि समूह में जुड़े हैं, उसके बाद ही इतना कर पा रहे हैं। और समूह में जब से जुड़े हैं थोड़ा कुछ ना कुछ मदद मिलते गया है और उससे आगे बढ़ते गए हैं। अगर हम ललगुटवा की बात करते हैं, ललगुटवा में अब आपको लोग किस रूप में जानते हैं? क्योंकि जब पहले आप शादी हुई होगी तो लोग जानते हैं कि हाँ आप किसी पत्नी या बहू के रूप में जानते हो, किसी माँ के रूप में जानी जाती होंगी, लेकिन अब जब इतना सारा काम कर रही हैं, काफ़ी सारे लोगों से रूबरू होती हैं, किस रूप में आपको लोग देखते हैं? देखते हैं कि जैसे एक महिला इतना सारा कुछ कर ले रही है वो बहुत बड़ी बात है। वही आदमी सोचता है कि जब वो आगे बढ़ रहा है तो उसके साथ साथ हम भी बढ़े, एक प्रेरणा मिलता है दूसरे को भी कि जब वो कर ले रहे हैं तो हम भी करें। तो हम तो चाहेंगे कि जितना हो सके उतना समूह से ही जुड़े। आर्थिक स्थिति तो पहले ठीक हो जाती है क्योंकि आर्थिक एक आदमी से अब घर नहीं चलने वाला, जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है अब कोई भी चीज़ है तो थोड़ा मोड़ा में तो मिलता नहीं है। अब एक आदमी का कमाई पे तो नहीं हो पाएगा जब तक दोनों साथ में ना करें। साथ में करने से बच्चा का पढ़ाई लिखाई भी अच्छा से होता है, उसका भविष्य भी ठीक होता है और अपना आर्थिक स्थिति भी थोड़ा थोड़ा बदलाव होते जाता है, जो पहले थे उससे तो बेटर है। इसके अलावा इस काम में इनके परिवार के अन्य सदस्य भी इसमें इनकी मदद करते हैं। जहां इस रोजगार से जुड़ने से पहले अनीता जी को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता था, वहीं अब परिवार की स्थिति पहले से कहीं ज्यादा अच्छी है। इसके साथ ही इनमें जो आत्मविश्वास आया है वो अलग। तो क्या बोलते हैं पति आपको? उनको गर्व होता है कि हम तो नहीं इतना चला सकते थे लेकिन हाँ अब साथ में कर खड़ा कंधा से कंधा मिला के हैं तो उनको उतना बोझ भी नहीं है अकेले में और साथ में साथ कर रहे हैं। तो थोड़ा सा एक आदमी का तो पैसा बच भी रहा है, एक आदमी का खर्च हो रहा है तो एक आदमी का पैसा बच रहा है, तो उससे आगे का फिर आगे का बिजनेस भी आगे बढ़ा सकते हैं, घर में खर्च हो रहे हैं तो बहुत फायदा है। ये तो कर ही रहे हैं, इसके बाद सोचे हैं कि सामान अभी तो बेच ही रहे हैं लेकिन इसके आगे सोचे कि थोड़ा होल सेलिंग फिर करने लगेंगे। मिट्टी का जो बर्तन है वो साथ ही साथ अभी तो थोड़ा अपना माल अपना से बेच रहे हैं, एक सिंगल सिंगल बेच रहे हैं लेकिन हाँ फिर जमा में देना स्टार्ट कर देंगे। हाँ, आर्थिक रूप से हमको बहुत ही फ़ायदा मिल रहा है, बहुत ही क्या बोलें, घर तो उन्हीं कमाई से मेरा चल रहा है अभी और मेरा जो कमाते हैं हम अलग से वो मेरा बचत हो जा रहा है।
जब से महिला समूह में जुड़ी है ना, तब से हम लोग क्या बोले बहुत ही आगे बढ़ गए हैं और पैसा दो पैसा बच रहा है। अपनी पत्नी का फिर सहयोग करते हैं? उसको भी हम सहयोग करते हैं अपने, जब उनको किसी यानी सामान उमान लाना लगना होता है, कहीं पर पहुंचाना होता है या लाने बोलते हैं तो हम ला देते हैं, सहयोग करते हैं। हम भी नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते ही नहीं, कहे कि आर्थिक मदद कोई करता ही नहीं अभी के डेट में। आर्थिक मदद बस सरकार की तरफ से ही मिल रहा है, तो जिसकी वजह से हम लोग किसी के पास मांगने भी नहीं जाते हैं, उधर से मिल जाता है तो हम लोग सारा काम बन जाता है। तो जीएसएलपीएसओ किस रूप में देखते हैं आप लोग उसको? हम लोग ना बहुत ही क्या बोले, हम लोग सहायता करता है, आर्थिक मदद बहुत ही अच्छा से करता है, इसीलिए एक वो क्या बोले सहारा के तौर पे हम लोग उसको देखते हैं। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से आज के समय में महिलाएं हर क्षेत्र में खुद को आगे रख पा रही हैं, अव्वल रख पा रही हैं। दर्शकों जो भी महिलाएं आप हमारा ये कार्यक्रम देख रही हैं, मैं आशा करती हूँ कि आप भी रोजगार से जुड़ने में खुद की सहायता है, क्योंकि आज के समय में रोजगार से जुड़ना हर किसी के लिए जरूरी हो गया है। तो दर्शकों हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है, ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो। मैं अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर।